नमस्कार दोस्तों, आज हम मैथ में विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता। विभाज्यता, ठीक है। सबसे पहले हम दो की विभाज्यता पढ़ेंगे। कौन की विभाज्यता? दो की, इसके बाद चार की, इसके बाद आठ की, इसके बाद सोलह की, इसके बाद बत्तीस की। ठीक है, सबसे पहले हम दो की विभाज्यता देखते हैं। दो की विभाज्यता में हम देखते हैं, यदि किसी संख्या के अंत में, जब किसी संख्या के अंत में जीरो हो, दो हो, चार हो, छः हो, आठ हो, यदि इनमें से कोई एक अंक आता है, ठीक है, तो वह संख्या दो से विभाज्य होगी। जैसे एग्जांपल 212, 516, ठीक है, दिया गया 500, दिया गया 256, ठीक है, या दिया गया हमें 760, ठीक है, 760। यदि ऐसी कोई संख्या आती है, ठीक है, यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए, तो वह संख्या दो से विभाज्य होगी, पूर्णतया विभाज्य होगी। ठीक है, तो इसे हम, जिसे को भी क्वेश्चन दिया जाता है, बड़ी बड़ी संख्या दी जाती है, इसे दिया गया हमें 3, 6, 8, 5, 0 कहा जाएगा, यह संख्या विभाज्य है। ऑप्शन दिया रहेगा हमें, दिया रहेगा ऑप्शन हमें, एक ऑप्शन होगा दो से, दूसरा ऑप्शन होगा तीन से, चौथा ऑप्शन होगा सात से, पांचवा ऑप्शन होगा पांच। ठीक है, कहेगा यह संख्या किससे विभाज्य है। ठीक है, तो हमें यह क्या लगाना होगा, यह संख्या दो से विभाज्य है। ठीक है, यदि चार दिया होता तो हम कुछ और सोचते। ठीक है, और दो की विभाज्यता के लिए हम कितना भी बड़ा नंबर दिया रहे, ठीक है, इसे दिया गया है 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, तो हमें सारे नंबरों को नहीं चेक करना है, हमें लास्ट के सिर्फ एक नंबर को चेक करना है। इसे यहाँ 8 है, तो हम यहाँ 8 को उठाएंगे, 2 से भाग करेंगे, पूरा पूरा 2 से कट जाएगा, तो यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा, तो शेष कितना आएगा? यदि शेष 0 आए तो वह संख्या पूरा पूरा कट जाती है। ठीक है, तो यह दो से विभाज्यता का नियम कहता है। ठीक है, अब देखिए हम चार की विभाज्यता का नियम देखते हैं। किसका विभाज्यता? चार की विभाज्यता, चार की विभाज्यता क्या कहती है? चार की विभाज्यता, चार की विभाज्यता, जैसे एग्जांपल दिया गया 512, ठीक है, 512 दिया गया हमें, तो हम चार की विभाज्यता में देखेंगे लास्ट के दो डिजिट में, लास्ट के दो अंकों में यदि चार का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो वह संख्या चार से विभाज्य होगी। जैसे 512 दिया गया, तो लास्ट के हम दो अंक में केवल 12 में चेक करेंगे, चार से भाग देंगे, यदि पूरा पूरा कट जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो यह संख्या क्या होगी? चार से विभाज्य होगी। ठीक है, तो यह संख्या चार से विभाज्य होगी। इसे हमें दिया गया 772, ठीक है, अब हमें चेक करना है यह संख्या चार से विभाज्य है कि नहीं है, तो हम पूरी संख्या को नहीं चेक करेंगे, लास्ट के दो अंक को देखेंगे, तो 72 में हम चार से भाग देंगे। ठीक है, यदि रिमाइंडर 0 आए, तो यह संख्या चार से विभाज्य होगी। चार से भाग के देखिए, तो जब चार से भाग देंगे क्या होगा, चार से भाग देंगे, देखिए 4×4 एक बार जाएगा, कितना कितना 3 हो गया, 3 हो गया, 3×2=32, 8×32, तो रिमाइंडर कितना आया 0, तो यह संख्या क्या है, चार पे विभाज्य है। ठीक है, अब इसी, अब अगला देखते हैं आठ से विभाज्यता का नियम। आठ से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? आठ की विभाज्यता, आठ की विभाज्यता, ठीक है, आठ की विभाज्यता में, आठ की विभाज्यता में हम लास्ट के दो तीन डिजिट को देखते हैं। जैसे दिया गया हमें कितना,
512, ठीक है। तो 512 दिया गया, तो हम लास्ट में तीन डिजिट को देखेंगे, ठीक है। इसके हम तीन अंकों को लास्ट के देखेंगे, यदि लास्ट के तीन अंक 8 से विभाज्य हो रहे हैं तो इसका संख्या 8 से पूरा पूरा विभाजित होगी। 512 दिया गया, 512 में तो हम 8 से भाग देकर देख ले रहे हैं, ठीक है। जब 8 से भाग देंगे, देखिए 8 से भाग देकर 8 × 6 = 48 कितना आ गया, 48 बचा कितना, 2 × 3 हो गया, ठीक, 32। तो 8 × 6 = 32 पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना आया, 0, ठीक है। तो यह संख्या 8 से विभाज्य है। हम 8 से विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए संख्या में लास्ट के तीन डिजिट में 8 से भाग देकर देखते हैं, और 4 से विभाज्यता के नियम में लास्ट के दो अंकों में 4 से भाग देकर देखते हैं, और 2 के लिए लास्ट के एक अंकों में भाग देकर देखते हैं। और वैसी भी 2 की पहचान है, जी लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह संख्या पूर्ण या 2 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब हम तीन, अब देखिए 16 की विभाज्यता, 16 की विभाज्यता क्या कहती है, लास्ट के हम 4 डिजिट में, लास्ट के 4 अंकों में हम 16 से भाग देकर देखते हैं, और 32 में क्या करते हैं, लास्ट के 5 अंकों में, लास्ट के 5 अंक यदि 16 से पूर्णतया कट रहे हैं तो वह संख्या पूरी पूरी 32 से कटेगी, ठीक है। और लास्ट के 4 अंक यदि 16 से कट रहे हैं तो वह संख्या पूर्णतया 16 से कटेगी, और लास्ट के यदि 3 अंक 8 से पूर्णतया कट रहे हैं तो वह संख्या पूरा पूरा 8 से कटेगी, यदि लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य हो रहे हैं तो वह संख्या पूर्णतया 4 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम, क्या देखते हैं, 3 से विभाज्यता, 3 का विभाज्यता क्या कहता है, 3 की विभाज्यता, तीन की विभाज्यता कहती है दिए गए अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या पूर्णतया 3 से विभाज्य होगी, दी गई संख्या का योग 3 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या पूर्णतया 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया गया 19683, ठीक है, एग्जांपल दिया गया 19683, ठीक है। अब इसे हम 3 की विभाज्यता क्या कहती है, 3 की विभाज्यता कहती है यदि अंकों का योग 3 से, यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो हम इनका योग करेंगे, ठीक है, देखिए योग कर रहे हैं 9 × 10 10 × 6 = 16 16 और 8 जोड़ेंगे, 16 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 16 × 8 = 24 24 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 27, ठीक है। अब 27 को हम किससे भाग देंगे, 3 से, यदि पूरा पूरा कट जाए या रिमाइंडर 0 आए तो वह संख्या पूर्णतया 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। देखिए इसे पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 9 × 3 = 27 पूरा पूरा कट रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0, तो यह संख्या क्या है, पूर्णतया 3 से विभाज्य है, तो यह संख्या पूर्णतया क्या है, 3 से विभाज्य है। इसे इसे थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, इसे दिया गया 19683, ठीक है, इसे जोड़ते देखिए 1 + 9 + 6 + 8 + 3, ठीक है। अब इसे जोड़ते हैं 9 × 10 = 16 16 × 8 = 24 24 × 3 = 27 आ गया, ठीक है, 27/3 काटने पर रिमाइंडर कितना आया, 0, तो यह संख्या क्या है, पूर्णतया 3 से विभाज्य है, ठीक है। इसे देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, साथ ही साथ 9 की विभाज्यता देखिए, तब क्वेश्चन देखते हैं 9 की विभाज्यता, 9 की विभाज्यता क्या कहती है, 9 की विभाज्यता भी तो ही कहती है जो 3 की विभाज्यता कहती है, 9 की विभाज्यता कहती है कि अंकों का योग पूर्णतया 9 से विभाज्य हो, अंकों का योग पूर्णतया 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या पूर्णतया 9 से विभाजित होगी, ठीक है। इसे एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, प्रत्येक बार इसे वही एग्जांपल है 19683, ठीक है, 19683। अब इनका योग करिए, यदि 9 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। इसे देखिए 1 + 9 + 6 + 8 + 3, ठीक है, यह संख्या हमें दी गई है। अब ये देखिए यदि इनका योग 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या पूर्णतया 9 से विभाज्य होगी, ठीक है। जो ये
नौ एक दस, दस छः सोलह, सोलह आठ चौबीस, चौबीस तीन सत्ताईस, ठीक है, सत्ताईस, सत्ताईस को नौ से भाग दीजिए तो रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो। तो जीरो आने पर यह संख्या क्या होगी, नौ से विभाज्य होगी, ठीक है। यह नंबर जो दिया गया है तीन से भी और नौ से, दोनों से विभाज्य है, ठीक है। अब हम थोड़ा इंक डाल ले रहे हैं, सर आप नोट कर लीजिए। इसे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया हमें, छ सात दो तीन पाँच स्टार चार आठ नौ, ठीक है। यह क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि यह संख्या नौ से विभाज्य है तो x का मान होगा, यह संख्या नौ से विभाज्य है विभाज्य है तो स्टार का मान होगा, ठीक है। अब नौ की विभाज्यता कहती क्या है, अंकों का योग नौ से पूर्णतया विभाज्य हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमें अंक यहां जहां नौ बने उसे हमें काटना, ठीक है, या हम सबको जोड़कर नौ से भाग करें, ठीक है। तो हम भाग देने से क्या, जहां जहां नौ बने उसे काट दे रहे हैं, तो नौ से नौ कैंसिल हो गया, ठीक है। सात दो नौ कट गया, ठीक है, छः तीन नौ कट गया, पाँच चार नौ, ठीक है। तो यहां बचा आठ, ठीक है, तो आठ में यदि हम एक जोड़ देते हैं तो नौ बन जाएगा, तो स्टार का मान क्या हो जाएगा, स्टार का मान एक नौ हो जाएगा, ठीक है। या इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे लिखा है संख्या में स्टार प्लस आठ इजकल टू कितना, नौ के, तो स्टार इजकल टू नौ माइनस आठ कितना आ जाएगा, एक, स्टार का मान कितना आ गया, एक आ गया, ठीक है। तो यह संख्या या स्टार के स्थान पर क्या होगा, एक होगा, ठीक है। इसे अगली संख्या देखिए, एक संख्या और दी गई है, क्वेश्चन है दिया गया है चार दो सौ तिरालीस स्टार इक्यावन, दो सौ तिरालीस स्टार इक्यावन, ठीक है, इक्यावन क्या हो, यह संख्या नौ से, यह संख्या नौ से विभाज्य है तो स्टार का मान होगा, तो स्टार का मान होगा, ठीक है। इसे मैनेज कर दे रहे हैं, इसे दिया गया है दो सौ तिरालीस स्टार इक्यावन, यह संख्या नौ से विभाज्य है तो स्टार का मान होगा, ठीक है। देखिए जहां थोड़ी देर पहले था, जहां जहां नौ बने उसे काट देंगे, ठीक है, जहां जहां नौ बने तो पांच चार नौ कट गया, ठीक है, तो बचा है दो तीन और एक प्लस स्टार, ठीक है। तो देखिए इसे दो को जोड़ेंगे, दो तीन दो पाँच, पाँच एक छः, ठीक है, छः प्लस स्टार इजक्वल टू कितने के, नौ के, तो स्टार इजक्वल टू कितने के, नौ माइनस छः बराबर कितने के, तीन के, तो स्टार का मान कितना आ जाएगा, स्टार इजक्वल टू थ्री, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, स्टार के स्थान पे क्या आएगा, तीन आएगा। इसे एक क्वेश्चन और दिया गया, देख लीजिए इसे दिया है क्वेश्चन,
आठ सौ चौंतीस बासठ स्टार 704 दिया गया। ठीक है, कह रहा है तीन से विभाज्य है तो स्टार का संभावित मान होगा। संख्या तीन से विभाज्य है तो स्टार का मान होगा। ठीक है, दिया गया संख्या हमें 8 3 4 6 2 7 0 4। ठीक है, यह संख्या दी गई है, यह संख्या तीन से विभाज्य है तो स्टार का संभावित मान होगा। ठीक है, तो देखिए तीन की विभाज्यता क्या कहती है, तीन की विभाज्यता कहती है अंकों का योग तीन से विभाज्य हो, अंकों का योग तीन से विभाज्य हो। ठीक है, तो हम सबको जोड़ने से अच्छा है जहां जहां तीन बने उसे हम काट दें। ठीक है, देखिए तीन से तीन कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 4 2 6 कैंसिल। ठीक है, अब देखिए 8 और 4 12 तीन से विभाज्य है। ठीक है, कट गया तो यहाँ क्या बचा है, 7 बचा है 0 बचा। ठीक है, तो 7 प्लस स्टार बचा है। ठीक है, तो बराबर कितने के, 3 के यही बचा है। तो यहाँ कह रहा है यह संख्या यदि तीन से विभाज्य है तो स्टार का संभावित मान होगा, तो स्टार के स्थान पर हम क्या रख दें कि यह तीन से विभाज्य हो जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम एक रख रहे हैं तो 4 7 1 8 नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 2 रख रहे हैं तो 7 2 9 कट जा रहा है, तो 2 होगा। ठीक है, यदि हम 3 रखते हैं तो कितना आएगा, यदि हम 3 रखते हैं तो 7 3 10 नहीं कटेगा, 4 रखते हैं तो 7 4 11 नहीं कटेगा, यदि हम 5 रखते हैं तो 7 5 12। ठीक है, 7 5 12 5 से कटेगा, यदि हम 6 रखते हैं 7 6 13 नहीं कटेगा, 7 रखते हैं 7 7 14 नहीं कटेगा, 8 रखते हैं तो 8 7 15 कटेगा। ठीक है, 8 7 15